मुरादनगर की बिटिया रितु जांगीर ने साउथ अफ्रीका स्थित किली मंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। 3 दिन के अंदर 500-685 मीटर चोटी पर चढ़ाई की है। 30 जनवरी को वो वापस भारत आई और अपने गांव मुरादनगर में उनका ज़ोरदार स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि रितु ने पर्वतारोहिणी बनने से पहले कई संघर्ष झेले हैं। सर कुछ नहीं, बस मुझे देख के ही प्रेरणा मिलनी चाहिए लड़कियों को, लेडीजों को, कि जो घर से बाहर नहीं निकलती उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे अपने धर्म का और अपने आसपास क्षेत्र का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में मैंने 8:30 बजे से तिरंगा फहरा दिया था ऊपर किलिमंजारो पीक पर, सबमिट कर दिया था। वही पीक आपने क्यों चुना? 7 सबमिट में 4th नंबर की पीक आती है ना, वो 7 सबमिट है। पूरे जो हम माउंटेनर हैं वो 7 सबमिट करते हैं, 7 सबमिट में से 4th नंबर की पीक है। और ये मैं इसलिए भी करने गई थी कि यहाँ आसपास के लोगों को कुछ पता नहीं है कि माउंटेन होता क्या है या क्या है। अभी मैं आई हूँ तो आधे लोग शायद अब जान गए होंगे क्षेत्र के और पूछेंगे भी मेरे से कि भाई कहाँ से सबमिट करा, क्या करती है, कैसे करते हैं। तो वो मैं सब कुछ बताऊंगी जो मेरे से इस बारे में पूछेगा। और चुनौतियाँ क्या क्या आई थी, क्या कभी तबीयत भी खराब थी लगी थी, वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, नाइट में सबमिट 2 बजे हमारा हुआ था। नाइट में 2 बजे हम चले थे तो उल्टियाँ, ठंड काफी तेज हवा होती है ऊपर पहाड़ पे, नाइट में हम लोग चले तो उल्टियाँ करती मैं गई हूँ। हिम्मत बहुत बार मैंने हारी, फिर मैंने सोचा मैंने कर्जा ले रखा है, पैसा उधार ले रखा है, कहाँ से चुकाऊंगी अगर सबमिट नहीं कर पाई। बहुत बार मेरे मन में आया कि ना करूँ, फिर हुआ कि करना तो है ही। अब इतने लोगों की मेरे ऊपर उम्मीदें टिकी हैं, मेरी खुद की भी है कि मैं इतना खर्चा करके बाहर गई हूँ, वो कैसे उतारूंगी, कैसे करूंगी, तो सबमिट करके आई हूँ। तो मुरादनगर के छोटे से गांव से ये कैसे आपका सफर शुरू हुआ पर्वत पे चढ़ने? सर NYK से देहरादून कैंप जाता है एडवेंचर वालों का, तब मैं गई थी, तब से मुझे लग गया है कि मुझे एडवेंचर लाइन में ही जाना है और कुछ हटके करना है। तो इस लाइन में तब से आ गई हूँ। बेसिक कोर्स किया हुआ है, एडवांस किया, अभी मेरी सीट बुक है और ये किलिमंजारो पीक मैंने सबमिट करी ली है। तो आपने जब तिरंगा लहराया, परिवार और दोस्तों का क्या रिएक्शन था? थे मेरे दुर्गेश दीदी मेरे साथ थी, पूजा सुजाता दीदी, भैया, बहुत लोग मेरे साथ थे जो जिन्होंने मेरी पैसों से भी हेल्प की है और वैसे भी मेरी हेल्प करने के लिए सबसे पहले खड़े हुए हैं। तो कुछ उस वक्त ऐसे भी लोग थे जो मना कर रहे थे कि इतना क्यों? हाँ, बहुत लोगों ने, क्योंकि सर्दियों का भी समय था, सर्दियों का नहीं, बहुत लोगों ने बोला नहीं कर पाएगी, मोटी है, तेरे अंदर तो ये है वो है। मैंने फिर भी हार नहीं मानी, मुझे पता है मैं लोगों की सुनती नहीं हूँ, मुझे करना है तो करना है, मैं किसी की सुन के कोई काम नहीं करती हूँ, ना ही मैंने आज तक किया है, तो इसलिए मुझे सबमिट करना है तो करना है। काफी सवाल, आप गांव वाले सम्मान आपको दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो आपसे प्रेरित होंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के, शायद लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी और भी महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तो